नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने वाली हूं जिसने 30 साल पहले अपने हाथ में टेनिस रैकेट लेकर और अपने दिल में खूब सारा जोश और जुनून भर के ये फैसला किया था कि बस अब इसी खेल से वो अपना, अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन करेंगी। 6 साल की उस छोटी सी बच्ची के इस हिम्मत को कई लोगों ने हिमाकत का नाम दिया था, लेकिन आज वो भारत की सबसे सफल महिला टेनिस खिलाड़ी है। मैं बात कर रही हूँ सानिया मिर्जा की। आइए आपकी मुलाकात कराती हूँ सानिया से। हाय सानिया, सो गुड टू मीट यू, कांग्रेचुलेशंस ऑन अ स्प्लेंडेड करियर। आपने हजारों लोगों का दिल तोड़कर सानिया ये फैसला कर लिया कि ये सीजन आपका लास्ट होगा, जिसके अनाउंसमेंट आपने बहुत पहले कर ली, एंड आई एम श्योर आपको हर तरह के रिएक्शंस मिल रहे होंगे। कितनों का दिल तोड़ा आपने? आपके पास कोई फैन मिल जाए, ऐसे मत जाओ सानिया। बहुत आए हैं, इनफैक्ट मुझे सब कह रहे हैं क्यों क्यों क्यों, लेकिन आई थिंक हर चीज़ का टाइम ख़त्म होता है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, वी हैव टू एक्नॉलेज इट कि यू नो देर आर मोर थिंग्स इन लाइफ। और मेरे लिए स्पेशली नाउ विद माई सन, आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद हिम। मैं नॉर्मल चीज़ें करना चाहती हूँ, स्कूल से पिकअप, स्कूल से ड्रॉप, एंड आई नो इट साउंड्स वेरी बोरिंग सबके लिए, लेकिन ऑनेस्टली मेरी बॉडी में मुझे बहुत सारी इंजरीज है जिसके साथ मैं खेल रही हूँ, एंड मेंटली एज वेल। आई मीन इट्स बीन 20 साल हुए हैं सिंस आई बीन अ प्रोफेशनल एथलीट जस्ट टर्न प्रो, और 30 ईयर्स ऑफ प्लेइंग टेनिस, सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। तभी मैं बोल रही हूँ कि इतना लंबा सफर एक बार जब कोई एथलीट तय कर रहा होता है तो दिन रात आप सिर्फ टेनिस के बारे में सोच रहे हैं। आप खाते भी टेनिस हैं, आप पीते भी टेनिस हैं, आप सोते जागते अपने शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग कर रहे हैं। उस एथलीट के लिए ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि बस अब बहुत हो गया, अब इसके आगे मेरा थ्रेशोल्ड है? आई थिंक ये ऐसा एक, इट्स नॉट अ डिसीजन यू टेक ओवरनाइट। ऐसे नहीं होता कि यू वेक अप वन मॉर्निंग एंड यू लाइक ओके आई एम डन, ऐसे नहीं होता। देयर इज ऑब्वियसली अ प्रोसेस टू इट। आप इसके बारे में सोचते होते हैं बिकॉज बीइंग अ प्रोफेशनल एथलीट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, एंड आई थिंक दैट फॉर मी टू बी एट दिस लेवल, एंड मुझे सब कह रहे हैं यू आर स्टिल प्लेइंग सो वेल, व्हाई यू रिटायरिंग, बट फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं रिटायर करूँ ऑन माई ओन टर्म्स एंड व्हेन आई एम प्लेइंग वेल, नॉट व्हेन आई एम यू नो बीइंग पुश्ड आउट ऑफ द गेम, सो टू से। नहीं, मेरे ख्याल से आपने एक बहुत अच्छी बात की कि अपने ही टर्म्स पे आप रिटायर करना चाहते हैं, स्पेशली जब आप पीक पे होते हैं। मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी तरह जी है, तो फॉर मी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली कि मैं कहूँ कि I want to stop. Not that, oh, I'm not good enough, so I'm stopping. So that's typical Sania Mirza. अगर आप Sania Mirza को जानते हैं, आप जानते ही होंगे, तो ये Sania Mirza का trademark style है. लेकिन Sania, आपने बात की कि जब मैं अपनी peak पे हूँ, अपनी terms and condition पे मैं retire करना चाहती हूँ, तो अगर Sania से ये पूछा जाए, इस picture का perfect end scene क्या होगा? तो क्या होगा? आपने कभी लिखी है ये स्क्रिप्ट अपने दिमाग में? Honestly, I think अगर मेरे ड्रीम में कोई पिक्चर का एंड सीन परफेक्टली होता, वो यही होता कि मैं एक ग्रैंड स्लैम का फाइनल खेलूं, जो कि बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज एबल टू डू, यू नो, एंड ऑब्वियसली उस ड्रीम में मैं वो फाइनल जीतती, लेकिन ट्रॉफी लिफ्ट कर रहे होते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग, यू नो, दिस इज नॉट अ मूवी, इट्स रियल लाइफ, तो हर चीज इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट अ परफेक्ट एंडिंग ऑलवेज, लेकिन फॉर मी it's really good and satisfying to know that I have been able to, I still have the level to play a Grand Slam final, and I'm choosing to say that no, I want other things in life. लेकिन सानिया, ये भले ही पिक्चर परफेक्ट एंडिंग हमें ना मिली हो, लेकिन ऐसे बहुत पल आए हैं जब सानिया ने तिरंगे को फहराया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हम सबको राष्ट्रगान सुनने का, सल्यूट करने का मौका मिला है। आपके चलते 6 ग्रैंड स्लैम इंडिया को मिले हैं। सानिया, ऐसे वक्त में जब कोई भी नहीं सोच सकता था कि हैदराबाद से एक छोटी सी बच्ची निकलकर इतना बड़ा सपना हासिल करेगी, मैंने कहा था कि बहुत लोगों ने उस वक्त आपकी हिम्मत को हिमाकत का नाम दिया था, लेकिन आपकी हिमाकत ने आज हजारों ने लाखों ऐसे बच्चों को वो हिम्मत दी है कि वो भी ऐसा सपना देख रही हैं। उनके लिए सानिया का मैसेज क्या है? नहीं, आई होप सो, आई थिंक कि मैं बस यही कहना चाहूंगी अगर कि मेरी जर्नी से अगर एक भी लड़की इंस्पायर हुई हो, एक भी, सो फॉर मी आई थिंक कि हम लोग दैट विल बी समथिंग दैट आई विल बी सैटिस्फाइड कि अच्छा, आई हैव बीन एबल टू अचीव व्हाट आई हैव कम हियर फॉर एंड आई हैव बीन पुट इन दिस पोजीशन फॉर, बिकॉज आई बाय गॉड्स ग्रेस हैव बीन एंड आई एम इन अ वेरी प्रिविलेज्ड पोजीशन। आई एम इन अ पोजीशन वेयर मेरे फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, लोग हैं जो मेरी बात सुनना चाहते हैं, सुनते हैं, एंड आई फील के वी आर ऑल हियर फॉर बिगर रीजन, यू नो, यू आर हियर फॉर समथिंग एल्स। आई एम नॉट हियर टू जस्ट हिट टेनिस बॉल एंड विन टेनिस मैचेस। आई एम हियर, आई हैव बीन पुट इन दिस पोजीशन फॉर अ लार्जर रीजन देन दैट, एंड फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई एंड इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन, फॉर यंग गर्ल्स टू बिलीव के
whatever your career might be, no matter how out of the box it may be, mm-hmm. don't let anyone tell you you can't do it. Always follow your dreams. That's your message. आपको मिल गया सानिया मिर्जा को, अगर आप अपना आइडियल मानते हैं, और ऐसी सिर्फ लड़कियां नहीं है, बहुत सारे लड़के भी हैं, क्योंकि सानिया क्या हुआ है ना, पिछले दो दशक तो आपने ही दे दिए हैं टेनिस को, और हमारे पास लिएंडर पेस, महेश भूपति जैसे प्लेयर्स भी हैं, रोहन बोपन्ना ने भी बहुत अच्छा किया इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन ओलंपिक्स मेडल आज तक एक ही आ पाया है टेनिस में. कहीं आपको भी ये था आपके मन में कि एक और ओलंपिक खेल के 2024 के बाद शायद आई कैन हैंग अप माई टेनिस बूट्स? या आई मीन वी केम सो क्लोज लास्ट टाइम, बट यू नो लाइक आई सेड, एवरीथिंग इज नॉट हाउ यू ड्रीम. आई वॉज एबल टू अचीव अ लॉट ऑफ माई ड्रीम्स, लेकिन आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी द वन ऑफ माई बिगेस्ट ड्रीम्स दैट आई वॉज नॉट एबल टू डू. बट destiny and aapko sometimes you have to succumb to destiny. So the fact is that I've been able to play four Olympics, represent my country for 20 years, and it's been a journey that has been that I'm so grateful for. Lekin probably agar aap mujhse puchhe ki kya wo aisi cheez hai jo aap ke paas nahi hai aur jo aapka ek khwab pura nahi hua, that's probably winning an Olympic medal. But we came very close, we came fourth last time. लेकिन इट इज व्हाट इट इज. लेकिन अपनी टेनिस अकेडमीज के जरिए आई एम श्योर सानिया मिर्जा ऐसे बहुत से बच्चों को ग्रूम कर रही हैं जो आगे चल के ओलंपिक मेडल होपफुल हैं. दैट इज डेफिनेटली द प्लान. मैं यही कहती हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन जो है हमारा, आई डोंट वांट टेनिस टू गो बैक टू वेयर इट वाज. यू नो आई थिंक टेनिस हैज कम अ लॉन्ग वे इन इंडिया एंड इट शुड कीप गोइंग फॉरवर्ड. एंड जस्ट बिकॉज आई एम स्टॉपिंग, अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव राइट नाउ अ रिप्रेजेंटेशन इन विमेन इन ग्रैंड स्लैम्स, यू नो, वंस आई स्टॉप. सो आई वॉन्ट दैट वी डोंट हैव दैट. आपको क्यों लगता है वो गैप आप कैसे छोड़ के जा रही हैं? आपके इतने लंबे करियर के दौरान ऐसा क्या हुआ कि कोई और सानिया मिर्जा नहीं आ पाई है? आई थिंक दैट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टेनिस एक बहुत ही ग्लोबल और इंडिविजुअल स्पोर्ट है, एंड आई थिंक उसके लिए एक सिस्टम की बहुत ज़रूरत है जो हमारे पास नहीं है, इन टर्म्स ऑफ चाहे वो एक फेडरेशन के नाम पर सिस्टम हो या कोई ऐसी जगह हो. सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू सेट अप टेनिस अकेडमीज वेयर आई एम एबल टू हेल्प दीज गर्ल्स, शेयर माई एक्सपीरियंसिस, हेल्प दीज किड्स, यू नो, नॉट जस्ट गर्ल्स, टू से के एटलीस्ट दे नो कि अच्छा हमें अगर टेनिस खेलना है तो हम यहाँ जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई गाइडेंस हो. हमारे पास वो कुछ नहीं था जब मैं खेल रही थी, वो कोई सिस्टम ही नहीं था और वो सिस्टम आज भी नहीं है. एंड यू विल प्रोड्यूस चैंपियंस व्हेन यू हैव अ सिस्टम इन प्लेस. सिस्टम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सानिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जेनेटिक्स भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है. अब लिटिल इजान वो हमेशा स्पॉटलाइट में रहते हैं, उनके फादर क्रिकेटर हैं, मदर नामी ग्रामी टेनिस प्लेयर हैं, उनके लिए कुछ सोचा है, कोई प्लान है दिमाग में, या वो खुद चूज करेंगे? नहीं, वो हमारे फैमिली में ऐसा होता ही नहीं है, हम पेरेंट्स सोचते ही नहीं है, जो बच्चा चाहता है वो करता है. माय सिस्टर इज इनटू फैशन एंड इनटू इवेंट मैनेजमेंट व्हिच इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू जो व्हाट आई डू, यू नो, एंड शी हैड नो इंटरेस्ट इन स्पोर्ट एंड माय पेरेंट्स वर टोटली फाइन विद दैट. एंड इजहान लव्स स्पोर्ट, एक्चुअली ही लव्स ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट. ही लव्स, वो टेनिस भी खेलता है, स्विम करता है, वो क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, हर चीज करता है. एंड सडनली लेटली ही इज बीन टेलिंग मी ही लव्स बैडमिंटन. अच्छा, तो आई वाज लाइक, बच्चे जो करना है करो, लाइक एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, यू नो. सो फॉर मी आई हैव नो प्रॉब्लम, अगर उसको नहीं भी खेलना, आई एम फाइन विद दैट एज वेल. लेकिन सानिया, आपने 6 साल की उम्र में प्रोफेशनली मतलब आपकी मदर आपको लेके गई थी टेनिस कोर्ट पे कि ट्रेनिंग लेना शुरू करें. अब इजान की भी उम्र उसके करीब आ रही है, 5 साल का है मेरे पास, 4 का है, और कुछ सालों में आपको भी ये फैसला लेना होगा कि किस में प्रोफेशनली जाएगा. नहीं, आई थिंक यू नो, वो मैं उसको हर चीज खिलाती हूँ, और जो भी वी सी कि अच्छा इसमें ही इज मोर टैलेंटेड देन द अदर गेम, देन वी कैन गाइड हिम. लेकिन अगर उसको खुद से दिल से नहीं करना, देन नोबडी कैन डू एनीथिंग, यू नो. तो यू हैव टू गिव देम द चॉइस. लेकिन उसको पता है कि मम्मी पापा दोनों इतने बड़े प्लेयर्स हैं अपने अपनी फील्ड में. क्या पता है, बट उसको कुछ तो पता है कि कुछ अजीब है कि लोग आके इनसे फोटोग्राफ्स मांगते हैं या इनके भी मांगते हैं, उनके खुद के भी मांगते हैं. तो उसके लिए वो एक नॉर्मल चीज है कि कोई भी बंदा आके रैंडमली उसको कहता है कि कैन आई हैव अ पिक्चर, वो तो खड़ा हो जाता है, बिकॉज दैट इज हिज नॉर्मल. तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, नो पिक्चर्स, लाइक इट्स सो वियर्ड. तो लेकिन उसको पता है कुछ तो डिफरेंट है मेरे पेरेंट्स में. लेकिन सानिया, इतना लंबा करियर, और आप पहली महिला खिलाड़ी थी टेनिस में जिसने उस स्तर पर जाकर देश का नाम रोशन किया, तो ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ भी मीडिया के घेरे में रहती है हमेशा. मुझे याद है मैं खुद गई थी एयरपोर्ट पे जब आप शादी करके लौटी थी, तो हमें वो कवर करना था. एक एक मोमेंट आपका स्पॉटलाइट में रहता है, कभी उसने आपको परेशान किया है? हाँ, डेफिनेटली, डेफिनेटली इट्स
इट्स नॉट ईजी. यू नो, लोग हमेशा ग्लैमर और अच्छी चीज़ें देखते हैं ऑफ बींग फेमस, लेकिन बींग अ पब्लिक फिगर इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड आई बिकेम अ पब्लिक फिगर वेन आई वॉज वेरी यंग. मैं 16 साल की थी जब मेरा फर्स्ट टाइम आई कैन हैड माई इंटरेक्शन विद द मीडिया ऑन अ लार्ज लेवल. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई मीन, टू लिव अ पब्लिक पब्लिक रिलेशनशिप्स, पब्लिक, यू नो, एज अ पेरेंट यू आर जज्ड, यू आर जज्ड एज अ पर्सन, यू आर जज्ड फॉर वॉट यू वेयर. तो देर आर ड्रॉबैक्स टू इट. लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जिंदगी में हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. सो इफ यू आर टेकिंग द प्रोज, यू हैव टू टेक द कॉन्स एज वेल. यू कैन जस्ट से कि नहीं, मुझे प्रोज दे दो, कॉन्स नहीं चाहिए. दिस इज अ लाइफ दैट वी हैव चोजन, एंड दिस लाइफ इज समथिंग दैट बिकॉज इट्स आवर चॉइस, वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट कम्स विद इट. उसके अलावा सानिया, अब जो आगे का सफर है वो क्या दिखाता है? आपने बोला कि बोरिंग कहने वाली चीजें करने वाली हूँ, एक माँ की तरह अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना, पिक करना, उसकी एक्टिविटीज में लेके जाना, उसके साथ एंगेज करना, वो एक पार्ट है. लेकिन वंस अ वर्किंग मॉम, आई थिंक ऑलवेज अ वर्किंग मॉम. नो, आई हैव ऑलवेज रिमेन वर्किंग. आई हैव माय टेनिस एकेडमी सेट अप इन हैदराबाद, इन दुबई, वेयर आई स्पेंड सम टाइम. ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू गेट इनटू सम कमेंट्री हियर एंड देयर, बट आई जस्ट डोंट वांट टू ट्रैवल टू मच. सो आई विल बी ऑन वेयर यू आर, ऑन योर साइड ऑफ द फेंस सून. या आई विल डू सम कमेंट्री हियर एंड देयर. I'll still be related to the sport, and I want to help. You know, there's a lot of opportunities coming up, but I want to help the younger generation in all sports. You know, to be able to, at least the mental aspect of it, to be able to, you know, help them believe, help them cope with the pressure. If Indian tennis needs me in the future, I'm there. अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने commentary की बात की, तो ये साल एक बार फिर से वर्ल्ड कप का साल है, इंडिया में एक क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होने वाला है, क्या क्रिकेट कमेंट्री में हम आपको देखने वाले हैं? नहीं, क्रिकेट कमेंट्री में नहीं, क्रिकेट कमेंट्री में हम मुझे नहीं देखने वाले हैं. मैं आई थिंक कि मैं टेनिस तक ही, आई एम गोइंग टू स्टिक टू माय स्ट्रेंथ्स. लेकिन इंडिया में टेनिस उस स्तर पर आ जाएगा अब आने वाले समय में, जब हम सानिया मिर्जा कमेंट्री बॉक्स में बैठी हो, चेन्नई ओपन के अलावा कोई और यहाँ पर WTA या ATP इवेंट हो रहा हो, और अपने जो है खिलाड़ी इंडिया के टॉप रैंकिंग्स में हो. आई मीन, आई होप सो, राइट? लाइक, आई थिंक होप तो वही है और उम्मीद पे दुनिया कायम है. तो हमें उम्मीद तो यही करनी चाहिए दैट होपफुली वी विल हैव दैट नेक्स्ट जनरेशन टेक द बैटल. एक फाइनल क्वेश्चन, बहुत सारे आपके फैंस ने मुझे बोला है कि मैं आपसे जरूर पूछूं, क्या वो आपको मूवीज में देख सकते हैं? नहीं, दैट इज ऑल्सो अनलाइकली. लेकिन मैं नेवर कोई चीज के लिए नहीं बोलती, यू शुड नेवर से नेवर. लेकिन एट दिस पॉइंट मेरा कोई इरादा नहीं है. अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन ये भी है सानिया, कि आपने जो ये 20 साल प्रोफेशनल टेनिस सर्किट में बिताए हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन बना है? मेरे दो तीन बहुत क्लोज फ्रेंड्स बने हैं, लेकिन वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स इज बेथनी मैटिक्सेंस, जिसके साथ मैं डबल्स भी खेलती हूँ. मैडिसन कीज इज अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. तो ये दोनों ही अमेरिकन लड़कियां हैं. एंड टेनिस इज अ वेरी लोनली स्पोर्ट. आप इतने सारे दोस्त नहीं बनाते जितने आपको बनाने चाहिए. दुश्मनी तो मेरी किसी से नहीं है, थैंकफुली. लेकिन आई थिंक दीस देयर टू थ्री पीपल दैट हैव बिकम वेरी क्लोज. और जो करंट क्रॉप ऑफ टेनिस प्लेयर्स, स्पेशली मेंस टेनिस, ऐसा लगता है कि वो दौर से निकल ही नहीं पा रहे. पहले रॉजर फेडरर, नदाल, जोकोविच, उनमें आपका कौन सा फेवरेट है? I mean, I think it's between Roger and Rafa. I know he usually fans Roger and Rafa ke opposite hoti hai, like, but I cannot choose between the two. अच्छा, आपने दोस्ती की बात की, मार्टिना हिंगिस को हम कैसे भूल जाए? उनके साथ आपकी legendary partnership. I think you had an unbeatable run of 44 matches together, right? वो दौर था जब सानिया और मार्टिना जहाँ दिखते थे वहाँ पे जीत पक्की होती थी. अभी भी बात होती है उनसे? हाँ, of course होती है. Actually मेरी बात उनसे last week ही हुई है. I mean, we shared so many special memories together, we shared so many amazing moments together. So with her, mera bond alag hi hai. It is a bond that we both have with each other. Hum log hamesha kehte hain ek dusre ko, you are my best partner, you are my best partner. Chaliye, bahut badhiya Sania. I hope and aapke sare jo fans hain jo aapko is waqt Zee News par sun rahe hain, wo yahi ummeed karte hain ki Sania ka टेनिस सर्किट पे करियर कह रहे हैं कि खत्म होगा, लेकिन इसके साथ ही सानिया हम सबके बीच से कहीं नहीं जाने वाली हैं. वो किसी ना किसी रोल में नजर आती रहेंगी. चलिए सानिया, थैंक यू सो मच जी न्यूज से बात करने के लिए. ऑल द वेरी बेस्ट. एंड आई एम श्योर जिस तरह की सानिया की शख्सियत है, आने वाले समय में और भी कई मुकाम है जो वो हासिल करेंगे, और हम सब आपके सामने वो सब रखते रहेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटिफुल इंटरव्यू विद द ब्यूटिफुल एंड रैविशिंग एंड स्टनिंग सानिया मिर्ज़ा. थैंक यू.